जी आज की सर। हमारी क्लास में हम पिवट टेबल डेटा एनालिसिस की टॉपिक में पिवट टेबल को कर रहे हैं, और पिवट टेबल में हम बात करेंगे आपके साथ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे, कैसे हम पिवट टेबल में डेटा को कैलकुलेट कर सके, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले डेटा है, डेटा को लेते हैं, और यहां लेने के बाद हम यहां पे इंसर्ट और पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाते हैं। कैलकुलेशन सिलेक्ट किया, देन ओके। सर रिकॉर्डिंग एक्सेस दे देते। जी एक मिनट। नहीं सर, आपने सिस्टम में ज्वाइन नहीं किया है, इसे रिकॉर्डिंग एक्सेस नहीं मिलेगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। लैपटॉप से ज्वाइन किया मैंने सर। तो आपने वेब वर्जन लिया है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया आपने। ओके तो सर आप लिंक प्लीज सेंड कर दीजिएगा ना जी ग्रुप में। जैसे मैंने यहाँ पे नेम यहाँ पे रखा, और नेम रखने के बाद मैंने मान लीजिए क्वांटिटी का टोटल रखा। अब मुझे यहां पे ये चाहिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन मतलब कि किसने कितना परसेंट सेल किया, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कि पूजा की बात करें, पूजा की 869 है, तो 869 को डिवाइड करना है 8403 से। 869 को डिवाइड करना है 8403 से। ऐसे ही 653 को उसके टोटल से डिवाइड करना है ताकि कंट्रीब्यूशन निकाल सके। तो क्वांटिटी को उठाया और इसको मैंने वापस टूआ रख दिया। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप जो है एक फील्ड को एक से ज्यादा बार आप इन तीनों के अलावा कहीं और नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ वैल्यू में ही रख सकते हैं। वैल्यू के अंदर क्वांटिटी और क्वांटिटी टू दो बार हमने रख लिया। फिर यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग पे हम जाते हैं और यहाँ शो वैल्यू एज पे जाते हैं, और जहां पे नो कैलकुलेशन है इसके जगह पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल हमने यहां पे लिया एंड ओके। आप देख सकते हैं कि यहां पे कॉलम का टोटल को परसेंट किया जा रहा है, राइट। तो परसेंट यहाँ पे कॉलम का हमने यहाँ पे परसेंटेज ले लिया। क्लियर है सर? जी सर। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर हम इस पे वैल्यू में जाए तो यहाँ पे रो टोटल है, जो रो के टोटल होती है। आप रो ग्रांड टोटल है, ग्रांड टोटल कर सकते हैं। तो रो टोटल ग्रांड टोटल क्या होता है? तो हम यहाँ क्वांटिटी को हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। जैसे मैंने मंथ यहाँ पे रखा, राइट, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी रखा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आपका ये यहाँ नीचे टोटल आता है उसको बोला जाता है रो टोटल, सॉरी कॉलम टोटल, और जो साइड में आता है उसको बोला जाता है रो टोटल, और जो सबसे लास्ट में टोटल यहाँ कोना पे होता है उसको बोला जाता है ग्रांड टोटल। अगर आपने परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल रखा तो इसकी जो कॉलम से इन सबको डिवाइड किया जाएगा, पूरे सबको कॉलम से डिवाइड किया जाएगा। अगर इसका हमने रो टोटल किया तो इसके रो से इसके बाकी सबको डिवाइड किया जाएगा, रो से इसके बाकी सबको डिवाइड किया जाएगा। और परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल की बात करें तो जो ग्रांड टोटल इससे इस सबको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कहां से करेंगे? तो सम ऑफ क्वांटिटी के अंदर सो वैल्यू एज में यहां यहां से। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कभी कभी हमें टारगेट के अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। तो हम डेटा के अंदर जाते हैं और टारगेट ऐड करते हैं।
टारगेट, और मान लीजिए इन सबों का जो टारगेट है 1000 है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे कैलकुलेशन वाले डेटा के अंदर में टारगेट ऐड नहीं हुआ है। देखिए अगर डेटा में कुछ चेंजिंग करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं अपडेट हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नई डेटा को ऐड किया है। क्या किया है? नई डेटा को ऐड किया है, तो क्या होगा? तो यहां आपको जाना होगा पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स, इसमें चेंज डेटा सोर्स पे जाइए और दोबारा से अपना डेटा को कीजिए सिलेक्ट। दोबारा से क्या किया हमने, डेटा को कर लिया सिलेक्ट, देन ओके, यहां आ गया टारगेट। और फिर यहां हम क्वांटिटी को लेंगे और यहां पे रख देंगे। क्वांटिटी को क्या कर दिया, नीचे सम ऑफ क्वांटिटी में रख दिया। अब मैं चाहता हूं ये 1000 से बाकी सबको डिवाइड कर देना, 1000 से बाकी सबको डिवाइड कर देता। तो यहां वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम जाते हैं, सो वैल्यू एज पे आते हैं, नो कैलकुलेशन के जगह पे हम शो करेंगे परसेंटेज ऑफ, और इस परसेंटेज ऑफ में मैं यहां नेम को यहां नीचे आऊंगा और टारगेट को सिलेक्ट करके ओके करूंगा। तो आप देख सकते हैं सबका टारगेट हो गया, और क्वांटिटी को एक बार और रख लीजिए ताकि आपका अमाउंट भी दिख जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्यूमुलेटिव टोटल, जैसे कि डेटा में आते हैं इंसर्ट पिवट एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स कैलकुलेशन टू में, यहां सेलेक्ट किया देन ओके। नाउ मैं यहां पे मंथ को रखता हूं, मंथ रखने के बाद यहाँ क्वांटिटी या एमआरपी तो रखना रख दिया, तो मुझे इसका क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, क्यूमुलेटिव टोटल, ठीक है। तो कैसे होगा, तो क्यूमुलेटिव टोटल मतलब कि जैन जैन फाइव फिर जैन फाइव मार्च, इस तरह का रनिंग टोटल जहाँ कहा जाता है, तो ये चीजें भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम जाते हैं, शो वैल्यू एज में आते हैं, और यहाँ आपको दिख जाएगा रनिंग टोटल, रनिंग टोटल परसेंटेज भी है, रनिंग टोटल भी है, जो आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो इसमें के बाकी जो ऑप्शन है उसको एक बार करके देखिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं कॉलम कैलकुलेशन को, जैसे आप देख रहे हैं क्वांटिटी और एमआरपी है, ठीक है, क्वांटिटी और एमआरपी है, क्लियर सर। तो क्वांटिटी और एमआरपी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे अमाउंट निकल सके। तो यहां ग्रुपिंग, यहां पिवट टेबल पर आते हैं और यहां एंड ओके, और यहां हम देते हैं नेम को तो यहां मैं रखता हूं क्वांटिटी और एमआरपी, एमआरपी का हम एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज में देखिए इस तरह का आ गया, तो इसकी अब नंबर की फॉर्मेटिंग भी इसी के अंदर कर देते हैं। हेलो, अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड में जाके कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल, और यहाँ हम करते हैं एमआरपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड ऐड एंड ओके। कुछ प्रॉब्लम होगी कैलकुलेटेड फील्ड, हाँ मैं मंथ कर दिया, हमें एमआरपी मल्टीप्लाई बाय ठीक है, ये चीज आपका। इसमें आप आगे और भी जो फॉर्मूले कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हैं वो कैलकुलेशन
आप यहां कर सकते हैं कि डिवाइड करना हुआ, मल्टीप्लाई करना हुआ, या इफ कंडीशन लगाना हुआ, जैसे आप देख सकते हैं इफ कंडीशन लगा हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है सर, मनीष जी या नितेश जी, कोई डाउट इसमें? क्लियर जी सर, है? जी सर, ठीक है सर। समझ गए ना? ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, राइट। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद एक आता है यहाँ पे एक और चीज जो मुझे अलग पिवट पे बताना होगा, बहुत अच्छी चीज है। डेटा आपको फिल्टर पर पेज, जैसे हमने न्यू डेटा पे लगाया, यहाँ पे लगाया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल लगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास, मैंने नेम वाइज, सिटी वाइज, कोर्स वाइज, हमने क्वांटिटी यहां निकाला हुआ है। ठीक है, हमने रिपोर्ट बनाया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मंथ को, मंथ वाइज रिपोर्ट देखना। मैं जनवरी से, मैं जैन सिलेक्ट किया तो यहां पे जनवरी का डेटा आ गया, फैब करूंगा तो फरवरी का डेटा आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि हर मंथ के लिए अलग अलग शीट बनानी, मुझे हर मंथ के लिए अलग अलग शीट बनानी है। तो एनालाइज, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, और इस ऑप्शंस के ऊपर ये दिखेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज क्लिक किया। और जैसे हम यहाँ देखिए, जो आप यहाँ रखेंगे फिल्टर में, जो चीज रखेंगे ना वही चीज शो होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड ओके किया, और एक ही सेकेंड के अंदर आप देखिए हमें अलग अलग शीट पे हमारा पिवट बना हुआ मिल गया। समझ गए आदित्य जी? यस जी सर, क्लियर? जी। उसके अलावा यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हैं, इसे जान लीजिए, जैसे कि रिकमेंडेड पिवट टेबल, मतलब पिवट टेबल को देख के रिकमेंड करेगा इसमें क्या क्या चीजें लगना चाहिए, मतलब बने बनाए पिवट टेबल आपको दे देगा। उसके बाद पिवट चार्ट के बारे में बात किया है कि आप चार्ट्स बना सकते हैं, और चार्ट को आगे भी पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद यहाँ बाकी चीजें, ये कैलकुलेशंस है, उसके बाद रिलेशनशिप में आप आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके बाद यहाँ से आप जो है पिवट टेबल को मूव क्लियर वगैरह कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, और बाकी चीजें नॉर्मल है। ठीक है, तो एक बार इसकी कैलकुलेशन बारे की प्रैक्टिस कर ले सर, फिर कल की क्लास में हम बात करेंगे स्लाइसर, रिलेशनशिप और एक्सटर्नल पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल जैसे टॉपिक। उसके बाद फिर हम तीन चार क्लासेस में सिर्फ पिवट टेबल की डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। ठीक है, जी चलिए।